हेलो गाइस, अगर आप जियो पेमेंट बैंक यूज करते हो तो यहाँ पर जियो पेमेंट बैंक में यहाँ पर एक प्रॉब्लम चल रहा है। जैसे आप यहाँ पर देख सकते हैं, जब हम यहाँ पर अपने जियो पेमेंट बैंक में यहाँ पर लॉगिन करने के लिए जाते हैं तो यहाँ पर एक एरर देखने को मिल रहा है, ट्रांजेक्शन इन डिसलाइन प्री ट्रायल आफ्टर सम टाइम, यानी आप यहाँ पर बाद में ट्राई करें। तो जैसे हम यहाँ पर ओके करते हैं, अब यहाँ पर जैसे हमने अपनी एम पिन एंटर करेंगे फिर से, तो दोस्तों आप यहाँ पर देख सकते हैं हमें अपने जियो पेमेंट बैंक में लॉग इन भी हो चुके हैं, लेकिन यहाँ पर यह एरर हट नहीं रहा। यहाँ पर यह एरर देखने को मिल रहा है प्री ट्राई आफ्टर सम टाइम, और यहीं पर आप नीचे बैलेंस देख सकते हो, यहाँ पर बैलेंस ₹0 सो रहा है, लेकिन यहाँ पर इसमें बैलेंस है जो यहाँ पर जीरो सो रहा है, क्योंकि यहाँ पर अभी जियो पेमेंट बैंक प्रॉब्लम चल रहा है। अब आपके जियो पेमेंट बैंक में कितने भी पैसे पड़े हों, यहाँ पर आपका बैलेंस अभी ₹0 सो रहा होगा, क्योंकि यहाँ पर यह एरर देखने को मिल रहा है। और जैसे हम यहाँ पर ओके कर देंगे तो यहाँ से यह कट हो जाएगा, यानी बैक हो जाएगा। तो यहाँ पर देख सकते हैं फिर से वहाँ से बैक हो चुका है। और अगर आप यहाँ पर अपने जियो पेमेंट बैंक के थ्रू फोन पे, पेटीएम, गूगल पे, किसी ऐप को इस्तेमाल करते हैं, और जैसे अगर आप उस ऐप के थ्रू यहाँ पर पैसा ट्रांसफर करोगे तो आपको यहाँ पर क्या एरर देखने को मिलेगी। तो दोस्तों हमने अपने जियो पेमेंट बैंक को पेटीएम में भी लिंक करके रखा है, तो जब हम यहाँ पर पेटीएम से यहाँ पर पैसा ट्रांसफर कर रहे हैं तो यहाँ पर एक एरर देखने को मिल रहा है, रॉन्ग यूपीआई पिन का एंटर मल्टीपल टाइम, यानी यह बोल रहा है कि आपने बहुत सी बार यहाँ पर अपना गलत यूपीआई पिन एंटर कर रहे हो। लेकिन दोस्तों ऐसा नहीं है, हम यहाँ पर अपना यूपीआई पिन बिल्कुल सही एंटर कर रहे हैं। यहाँ पर आज जियो पेमेंट बैंक में एक टेक्निकल एरर चल रहा है, इसी कारण यह प्रॉब्लम आ रहा है। आपका अकाउंट का बैलेंस भी ₹0 सो होगा, और ना ही आप उसमें लॉग इन कर पाएंगे, और ना ही आप पैसा ट्रांसफर कर पाएंगे। यह यहाँ पर आज जियो पेमेंट बैंक में एक एरर देखने को मिल रहा है। तो अगर आपके भी जियो पेमेंट बैंक में ये प्रॉब्लम आ रहा है तो आपको कौन सी मिस्टेक नहीं करनी। अगर आप यहाँ पर एक मिस्टेक करोगे तो आपका जो जियो पेमेंट बैंक का अकाउंट है वह ब्लॉक हो जाएगा, और आपके जियो पेमेंट बैंक जो भी पैसे पड़े होंगे वो भी चले जाएंगे। तो आपको अब क्या करना है, तो दोस्तों यहाँ पर आपको अपने माइजियो ऐप को ओपन कर लेना है। माइजियो ऐप को ओपन करने के बाद यहाँ पर आपको बैंक पर क्लिक करना है। अब जैसे हम यहाँ पर बैंक पर क्लिक करेंगे, अब जैसे आप यहाँ पर अपने जियो पेमेंट बैंक में यहाँ पर लॉगिन हो जाएंगे, तो अगर आपको यहाँ पर यह एरर देखने को मिल रहा है तो आपको यहाँ पर कुछ नहीं करना, ना ही अपनी एम पिन को फॉरगेट करना है। जैसे आप यहाँ से पेटीएम से भी हम यहाँ पर अपने जियो पेमेंट एम पिन फॉरगेट कर सकते हैं, क्योंकि वहाँ पर रॉन्ग यूपीआई पिन सो रहा है। तो दोस्तों आपको यहाँ पर कुछ नहीं करना, यहाँ पर जियो पेमेंट बैंक में यहाँ पर एक टेक्निकल एरर चल रहा है, इसी कारण आपके जियो पेमेंट बैंक में जितने पैसे हुआ भी यहाँ पर जीरो बैलेंस हो रहा है। आप यहाँ पर खुद देख सकते हैं लॉग इन नहीं हो रहा, तो यहाँ पर आप कैसे करोगे, यानी यहाँ पर आपका बैलेंस ₹0 सो होगा जब तक यह एरर रहेगा, ट्रांजेक्शन डिसलाइन प्री ट्राई आफ्टर सम टाइम। तो दोस्तों यहाँ पर इसका सॉल्यूशन यह है कि आपको यहाँ पर कुछ टाइम वेट करना है, यह प्रॉब्लम ऑटोमेटिक सॉल्व हो जाएगा। दोस्तों अगर आप भी अपने जियो पेमेंट बैंक से पैसा ट्रांसफ़र नहीं कर पा रहे, माई जियो ऐप में लॉग इन नहीं हो पा रहे अपने जियो पेमेंट बैंक में, तो आपको यहाँ पर कुछ नहीं करना, आपको बस वेट करना है। आप देखो कि यहाँ पर कुछ टाइम बाद यहाँ पर यह प्रॉब्लम ऑटोमेटिक सॉल्व हो जाएगा। तो आई होप कि आपको यह जानकारी पसंद है, तो वीडियो को लाइक करना।